अंतर जनपदीय अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक अभियुक्त समेत बड़ा जखीरा बरामद। हरगांव कोतवाल ओपी तिवारी ने बड़ी छापेमारी कार्रवाई करते हुए निर्मित व अर्ध निर्मित असलहों बंदूकों की बड़ी खेप के साथ एक अभियुक्त को फैक्ट्री समेत बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अंतर जनपदीय पंचायत चुनावों को प्रभावित करने की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दिया गया है। यह हथियार पंचायत चुनाव में सप्लाई करने के काम अभियुक्त द्वारा किया जाना था, जिसे हरगांव कोतवाल ओपी तिवारी द्वारा नाकाम कर दिया गया। पंचायत चुनाव को निष्पक्ष व निर्विघ्न संपन्न कराने हेतु अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने में कारखाने, अवैध शस्त्र फैक्ट्री एवं अवैध शस्त्र की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी राजीव दीक्षित के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक प्रताप अजय के कुशल नेतृत्व में थाना हरगांव टीम द्वारा शनिवार शाम 5 बजे ककराही ग्राम के दक्षिण स्थित नहर विभाग के जंगल में हरदेव बाबा के मंदिर के सामने अवैध शस्त्र निर्माण करते समय एक अभियुक्त लखीमपुर खीरी के ग्राम निजामपुर निकटी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से असलहा बनाने की फैक्ट्री, 3 अदद बंदूक, 12 बोर, 4 अदद तमंचा, 315 बोर, 3 अदद तमंचा, 12 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, 312 बोर, 2 अदद खोखा, 315 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण जिसमें अर्ध निर्मित नाल, 315 बोर के 4 अदद व 12 बोर समेत अदद बरामद हुई है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय मुकदमा अपराध संख्या 121/21 व धारा 225(1)(20) शस्त्र अधिनियम व मुकदमा अपराध संख्या 122/21 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया व गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। कोतवाल हरगांव ओपी तिवारी ने बताया कि सख्ती से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा कबूला गया कि पंचायत चुनाव में अवैध शस्त्रों की मांग बढ़ रही है, जिसके लिए वह पहले से अवैध तमंचा बनाकर रखता है और इन तमंचों को लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, उन्नाव, शाहजहांपुर में विक्रय करके परिवार का जीविकोपार्जन किया जाता है। इसके पहले भी तमंचा बनाने में लखीमपुर खीरी से जेल जा चुका है अभियुक्त व आपराधिक हिरासत में रहा है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को कोतवाल हरगांव ओपी तिवारी, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, हेड कांस्टेबल अंसार अहमद आदि सभी शामिल रहे। जनपद सीतापुर में प्रभावी अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से और आगामी जो प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इनके मद्देनजर जो पूर्व से तैयारी की जानी होती है अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से, जो सामयिक कुछ आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं ऐसे पंचायत चुनाव के दृष्टिकोण, उस पर एक अभियान चला करके कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए थे, जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक हरगांव और उनकी टीम द्वारा एक बहुत उल्लेखनीय उत्कृष्ट कार्य किया गया है। एक अभियुक्त के गिरफ्तारी के बाद उसके पास से अवैध शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री और कई ऐसे अवैध शस्त्र निर्मित और अर्ध निर्मित दोनों बरामद हुए हैं। यह एक अंतरजनपदीय अपराधी है, जो कि पूछताछ में इसने स्वीकारा है कि लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, उन्नाव, शाहजहांपुर में इन अवैध शस्त्रों का विक्रय करके ये अपना जीविकोपार्जन करता था और विशेष रूप से पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पूर्व से ही अवैध शस्त्रों का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, जिससे पंचायत चुनाव के समय जो मांग होती है आपराधिक तत्वों द्वारा उसकी संपूर्ति कर सके। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये। इसके कब्जे से 10 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 11 अदद अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 6 कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत करने के सारे उपकरण बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर के ये ऐसा अभियुक्त है जिसके खिलाफ थाना खीरी में 2 इसी प्रवृत्ति के आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं और यह फिर से इसकी सक्रियता इस पंचायत चुनाव के दृष्टिगत बढ़ी और स्थानीय हरगांव पुलिस के द्वारा इस पर निगाह रखी गई। जैसे ही यह सूचना मिली इसको मौके से गिरफ्तार किया गया, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसे जेल भेजा जा रहा है, इसका चालान किया जा रहा है। और इस अभियान के क्रम में ये उल्लेखनीय जो कड़ी जुड़ी है, इससे निश्चित रूप से ऐसे आपराधिक तत्वों के हौसले ध्वस्त होंगे और जनपदीय पुलिस का यह काम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत इसी प्रकार जारी रहेगा और इस क्रम में और भी आगे अध्याय जुड़ेंगे। निश्चित रूप से ऐसे आपराधिक तत्वों का मनोबल परास्त करके ही हम लोग आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रभावी तैयारी कर पाने में समर्थ होंगे।